हैदराबाद में ऐतिहासिक धरोहर पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, वहीं पूरे मामले पर प्रशासन अभी भी चुप्पी साधे हुआ है। पूरा मामला हैदराबाद के कुतुबुल्लापुर, जेडीमेटला और कोमपल्ली का है, जहां 120 साल पुराने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए फॉक्स सागर को कुछ लोगों ने कब्जे में ले लिया है। 2 किलोमीटर में बने इस तालाब को चारों ओर से घेर लिया गया है, जिस पर सरकार की तरफ से अब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह तालाब लगभग 120 साल पुराना है, जिसका निर्माण अंग्रेजों ने नवाब निज़ाम के शासनकाल में किया था। इसका निर्माण मलकाजगिरी, तिरमलगिरी और हैदराबाद के कुछ इलाकों में रह रहे जवानों को पीने का पानी मुहैया कराने के लिए किया गया था, जो आज कीचड़ में तब्दील होता जा रहा है। हमारे संवाददाता मोहम्मद रफीउद्दीन ने जब यहाँ की जनता से पूछा कि कितनी ज़मीन पर कब्जा किया जा चुका है, तो यहाँ की जनता का कहना था कि आधे से ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया है, जिसके कारण इसका बांध कभी भी टूट सकता है। अभी हम यहाँ के मुकामी पब्लिक से भी पूछा है कि ये जो डैम है, जिसे फॉक्स सागर नाम रखा गया है, ये डैम 1882 में बनाया गया था, जो लगभग 120 साल हो चुके हैं, फिर भी यहाँ पर ना सिक्योरिटी का इंतज़ाम है और ना यहाँ पर पब्लिक के लिए टूरिस्ट का इंतज़ाम किया गया। मगर ये जो सो डैम को सिर्फ ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया है, जो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं आकर वो जो सो यहाँ पर ये जो सो सुसाइड कर लेते हैं, थोड़े लोग जो सो यहाँ पर मर्डरा भी कर रहे हैं, जिसकी लापरवाही गवर्नमेंट की हो सकती है। मगर यहाँ पर म्यूनसिपल की भी, यहाँ पर लोग जो सो गाड़ियाँ लेकर कर कचरा फेंकते हैं, कचरा फेंक कर यहाँ ही कचरा जलाते हैं, मगर यहाँ पर साफ सफाई नहीं करते। और FTL की जो टीम है वो भी आकर जो सो यहाँ पर हमेशा आकर यहाँ पर नीटनेस करना चाहिए। अभी हम यहाँ के जो मुकामी जो बचपन से अभी तक यहाँ पर जवान हुए, वैसे लोग से भी हम यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं हमारे मीडिया के ज़रिए। आइए यहाँ के मुकामी पब्लिक से पूछते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पर लापरवाही की जा रही है। मेरा नाम प्रशांत है, मैं यहाँ पे सुभाष नगर कॉलोनी में हूँ। मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड भी सब यहाँ पर खेलने के लिए, स्विमिंग के लिए आते थे। इससे पहले रहते ना आयरन करने वाले टीचर रहते थे, लेकिन रिसेंटली 4 to 5 ईयर्स के वैक से थोड़ा केमिकल कंपनीज के वजह से थोड़ा नुकसान तो हो रहा है,